फिल्म पद्मावती का सभी को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल देश भर में इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन जारी है। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, वैसे वैसे मुंबई में राजपूत संगठन के लोगों ने फिल्म पद्मावती को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। जी हाँ, बीते रविवार को राजपूत संगठनों के लोग संजय लीला भंसाली के घर और ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भंसाली के घर और ऑफिस पहुंचने के पहले ही हिरासत में ले लिया। पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कुछ लोग फिल्म के विरोध में संजय लीला भंसाली के यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि राजपूत संगठनों की मांग है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले राजपूत समाज को दिखाया जाए, जिससे उन्हें विश्वास हो सके कि फिल्म में रानी पद्मावती का अलाउद्दीन खिलजी के साथ कोई भी ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। हाल ही में भंसाली ने इस बात को नकारते हुए कहा था कि इस फिल्म में ऐसा कोई भी लव एंगल नहीं दिखाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म को शुरू से ही काफी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है। वेल, अभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म को और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, इस फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार में दीपिका, अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में रणवीर और रतन रावल सिंह के किरदार में शाहिद नजर आएंगे। ये फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर्स पर दस्तक देगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।